ब्रेक तो बाद खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। श्रोमणी अकाली दल अनुशासनी कमेटी वालों वड्डी कार्रवाई अमल च लियांदी गई है। दस दे कि करनैल सिंह पंजोली नूं 6 साल दे लई श्रोमणी अकाली दल जो बाहर कर दिता गया। तो श्रोमणी अकाली दल अनुशासनी कमेटी वालों इस वड्डी कार्रवाई नूं अंजाम देंदिया होया करनैल सिंह पंजोली नूं 6 साल लई श्रोमणी अकाली दल चों बाहर कर दिता गया। दस दे कि पार्टी विरोधी गतिविधियां दे चलदियां ही यह फैसला लिया गया। बीते दिन अनुशासनी कमेटी की मीटिंग यह फैसला लिया गया। अनुशासनी कमेटी के चेयरमैन सिकंदर सिंह मलूका की अगवाई में मीटिंग हुई जिस बाद यह फैसला लिया गया। ताज़ी करनैल सिंह पंजोली वालों पार्टी प्रधान बारे अपशब्द बोलन से एक्शन होया। जिला जथेबंदी पार्टी चो कढ़न का मता पास करके हाई कमांड नूं भेजा गया सी। असी एक करैक्टली डिसीजन लिया करनैल सिंह पंजोली नूं पार्टी दे विचों कढ़न का फैसला किया और उहदी जिहड़ी रिकमेंडेशन है वो पार्टी प्रधान नूं भेजन लगे हैं और जिहड़ा फाइनल डिसीजन है वो श्रोमणी अकाली दल की डिसिपलिनरी कमेटी या श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े प्रधान ने वो अपने लैवल ते उत्थे करनगे और अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान नूं एक SGPC मैंबर द्वारा जिहड़ी गाल का उपयोग किया गया उस संबंध में कंप्लेट भी करांगे। असी गुरद्वारा जुडिशल कमीशन भी कंप्लेट करांगे भी इहदे खिलाफ जो भी एक्शन बनता है वह लिया जाए। करनैल सिंह पंजोली जी श्रोमणी अकाली दल SGPC वालों बड़े अहुदे ते रहे बड़ा लंबा समा उन्होंने काम करदा पार्टी वालों मौका मिलिया। सो इस गल का भी संगत बहुत बड़ा रोस आ जथेबंदी बहुत बड़ा रोस आ कि पार्टी रहते हुए जिथे वह पार्टी श्रोमणी अकाली दल बारे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब बारे बोलना गलत शब्द बोलना यह बर्दाश्तयोग गल नहीं हैगी। सो जे कोई उन्होंने गिला शिकवा से कोई गलबात सी तो वह परिवार तौर पर प्रधान साहब नाल जथेबंदी बैठ के गल कर सकते थे। SGPC वालों तो गल यह है भी श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने कोप्ट किए हुए ने जदों तक अगला बोर्ड है नहीं बनता तद तक मैंबर तो रहना ही है। फिर असी फिर भी जुडिशियल कमीशन के जावे ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।